नून लीगी एमपीए तौफीक भट्ट के खिलाफ पौधे चोरी के मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। मुदई मुकदमे का वकूआ से इंक्वायरी पर पुलिस ने भी तौफीक भट्ट को बेगुनाह करार दे दिया। नून लीगी एमपीए के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इफ्तिखार भट्ट से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नून लीगी एमपीए तौफीक भट्ट के खिलाफ पौधे चोरी के मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। मुदई मुकदमा का वकूए से इनकारी पर पुलिस ने भी तौफीक भट्ट को बेगुनाह करार दे दिया। नून लीगी एमपीए के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज कर दी गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि तफ्तीश के मुताबिक वकूआ साबित नहीं हुआ, मुकदमा काबिले इखराज है। तौफीक भट्ट ने इस मौका पर कहा कि मौजूदा हुकूमत के चेहरे से इंसाफ का निकाब उतर चुका है, मुकदमे का इखराज हक और सच की फतह है। तौफीक भट्ट ने जीटी रोड पर एक मिनट में 50,000 पौधे लगाने के आलमी रिकॉर्ड के मामले में तनकीद की थी। जिली इंतजामिया की जानब से तौफीक भट्ट के खिलाफ पीएचए मुलाजमीन से पौधे छीनने का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा दर्ज किया था। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भट्ट हमें तफसीलात से अपडेट करने का। Rex, a project of Rana Umar Group of Services.